हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों क्वेश्चन करते हैं रियल फंक्शंस का। और क्वेश्चन रहा हमारा ये, गिवन हमें f(x) summation r varies from 1 to 10 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus r दे रखा है, और निकालना क्या आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन हमारे पास आया f(x) summation r varies from 1 to कितना है 10 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus r। अच्छा, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किसके बराबर रहता है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की। और अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कितना x। ये हमें दो नेचर देगा, या तो ये लेस देन x होता है कब, जब x आपका इंटीजर ना हो, और इक्वल टू x होता है कब, जब x क्या हो आपका इंटीजर के बराबर। तो अब चलिए इसको समेशन को एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले r की वैल्यू पुट कर दिया आपने 1 से लेके कहां तक 10 तक। तो पहले आप 1 पुट करिए तो आपके पास बना x plus 1। फिर उसके बाद अब 2 पुट करिए तो आपके पास बना x plus 2। करते करते कहां तक जाना है हमें, 10 तक। तो हमारे पास बना x plus कितना 10। अच्छा, अब आगे बात आती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus r। ये हमारा किसके बराबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। पर कब होता है, जब r आपका क्या होना चाहिए इंटीजर। अच्छा, 1 के इंटीजर, 2 भी क्या है इंटीजर, 10 भी क्या है इंटीजर। इंटीजर है तो उसका मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास कितना बना, x के बराबर। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर। और इसका भी फ्रैक्शन, क्योंकि ये भी इंटीजर है तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर। कितने बार रिपीट हुआ, 10 टाइम। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास 10 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और ये वैल्यू आई किसकी, f ऑफ x की। अब उसके बाद अगली बात आती है ये, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या वैल्यू निकाली, f ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू निकाल दी। तो चलिए अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ कितना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर बन जाएगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा x, x कितना है, चलिए इसको बाद में निकालते हैं, पहले मैं f ऑफ इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका कितना बन जाएगा, वैल्यू डालिए, अब x की जगह कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारे पास कितना वैल्यू बन जाएगी, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732। इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इससे पीछे वाला इंटीजर, तो मतलब माइनस रूट 3 और इससे पीछे वाला इंटीजर कौन सा हुआ, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ रूट 3 की वैल्यू कितनी मानी, रूट 3 माइनस 1। तो देयरफॉर अब मैं ये फंक्शन यहां से यहां तक इसको ले सकता हूं। तो हमारे पास क्या बना, एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ रूट 3 और इक्वल टू किसके बराबर, एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ रूट 3 की वैल्यू हमारे पास बनी, ठीक है, एफ ऑफ कितना रूट 3 माइनस का कितना 1 के बराबर, रूट 3 माइनस 1, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या निकालना, ये बाहर पूरा ओवरऑल फ्रैक्शनल पार्ट है वो निकालना। तो ओवरऑल फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास कितना बन जाएगा, तो नाउ ओवरऑल फ्रैक्शनल पार्ट, एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू ओवरऑल, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बना मेरा ये। तो अब यहां पे वैल्यू डालिए, x कितना है इधर, f ऑफ कितना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट 3 और माइनस, अब क्या आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, x आपका क्या है f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू डालते हैं f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ किसकी वैल्यू है, इसकी f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट 3। अच्छा, यहाँ पे इसको वैल्यू को डाल रहा हूँ, फिर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। ये बना हमारा x किसके लिए, f के लिए, जहां पे भी f में वैल्यू आती है उसको वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए। तो हमारे पास f ऑफ x कितना था, f ऑफ x 10 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के बराबर। तो ये बन गया 10 और इंटू x की जगह क्या पुट करना आपने, रूट 3 माइनस 1। तो ये मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू है, f ऑफ स्क्वायर रूट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू डाल दीजिए, इसकी वैल्यू आई 10 इंटू रूट 3 और माइनस का कितना 1 और माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 10 इंटू रूट 3 माइनस का 1, 10 इंटू रूट 3 माइनस 1।
अच्छा अब इसको मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 10 इंटू रूट 3 और माइनस का कितना 10 और माइनस, अच्छा अब 10 के साथ करिए मल्टीप्लाई, 10 रूट 3 और माइनस, माइनस का कितना बना 10। अच्छा आपके पास आया 10 रूट 3 माइनस का कितना 10 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास, या फिर इसके इंटीग्रल वैल्यू निकाल दीजिए, नेक्स्ट उसमें कितना बन जाएगा, ये बना आपके पास 10 इंटू अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी बनी 1.732 और माइनस का कितना 10। अच्छा आपके पास आया 10 रूट 3 और माइनस का 10 और माइनस, सॉल्व करिए हमारे पास कितना बन जाएगा 17.32 माइनस का कितना 10 और इसका इंटीग्रल पास। अच्छा 10 इंटू रूट 3 माइनस का कितना 10 और इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारे पास 7.32। अब इसका इंटीग्रल पार्ट 7.32 एक इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इससे पीछे वाला इंटीजर, तो इससे पीछे वाला इंटीजर कितना बना 10 इंटू रूट 3 माइनस का कितना 10 और इससे पीछे वाला इंटीजर कितना बना 7। तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 10 रूट 3 माइनस का 17। और ये वैल्यू आपकी कैसी वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू, इरेशनल नंबर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, थैंक यू।